गोल्ड में जबरदस्त रैली चल रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। अब $2600 के करीब पहली बार पहुंच चुका है। और घरेलू बाजार में भी देखें तो यहां पर भी जबरदस्त तेजी है। हालांकि यहां पर रिकॉर्ड इसलिए अभी नहीं बना है क्योंकि गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी के एडजस्टमेंट के बाद वो रिकॉर्ड, अदरवाइज 78,000 से 80,000 के बीच में घरेलू बाजार में सोना होता। तो एक जबरदस्त रैली का दौर चल रहा है। चांदी भी देखिए, चांदी में भी जबरदस्त तेजी है और वजह साफ है। जैसे जैसे यूएस फेड के डिसीजन अब के समय नज़दीक आते जा रहे हैं, लग रहा है कि वहां पर एग्रेसिव रेट कटौती हो सकती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की, और यहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको गोल्ड और सिल्वर के कारोबार में आज क्या करना है। साथ ही क्रूड और बासमती राइस को लेकर भी एक अहम खबर लेकर आएंगे। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आपको मदद करने वाले हैं। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, तरुण ससंगी हैं कमोडिटी एक्सपर्ट, और भूपेश शर्मा हैं टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण जी, सबसे पहले गोल्ड पर आप बताइए क्या राय है आपकी, क्या लग रहा है जिस तरह की रैली चल रही है, ये कब तक एक्सटेंड होगी? क्या फेड के फैसले से पहले यानी 18 तारीख तक ये जारी रह सकती है तेजी? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। टिपिकली हमने देखा था कि काफी लंबे समय से अगर कॉमेक्स स्पॉट की बात करते हैं गोल्ड की, तो 2470 से 2530 की रेंज में था, कल डिसाइसिवली ब्रेक दिया है। टिपिकली क्या होता है, जब भी रेट कट का एक्सपेक्टेशन मार्केट में माउंट करता है तो उससे हमने देखा है 6 महीने 1 साल पहले से ही गोल्ड में रैली आती है। द मोमेंट इवेंट स्टार्ट होता है तो वो जो कोरिलेशन है वो एक्चुअली काफी वीकर होते जाता है, मार्केट फिर डिमांड सप्लाई और अदर फैक्टर पे काम करना चालू कर देते हैं, उनके बेसिस पे मूव करना चालू कर देते हैं। सेम वे में हम देखते हैं जब भी रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन होता है उस समय गोल्ड 1 साल पहले ही अंडर परफॉर्म करना चालू कर देता है। द मोमेंट रेट हाइक होना स्टार्ट होते हैं तो गोल्ड के अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन टाइप का हो जाता है और इवेंट वाले दिन मूवमेंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीजन। अभी मुझे लगता है कि ट्यूजडे वेंसडे में नेक्स्ट वीक जो फेड का मीटिंग है तब तक थोड़ा और इसमें तेजी आ जाएगा। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, एज एन व्हेन एक्सपेक्टेशन रहेगा रेट कट का, तब उससे 1 हफ्ते पहले गोल्ड में रैली आना चालू होगी और आफ्टरवर्ड जैसे इवेंट मार्केट में होगा उसके बाद में गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के इवेंट के बाद में गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। साइमल्टेनियसली हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूएस का बॉन्ड यील्ड और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ से फर्दर डाउन होने की है। अगर ऐसा होता है तो जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है वो गोल्ड नहीं रहेगा, तो डेट विल ऑल्सो डैम्पन बिट ऑफ द सेंटीमेंट फॉर शॉर्ट टर्म। यानी जो फैसले से पहले जो तेजी है वो यहाँ पर दिखेगी, उसके बाद हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा करेक्ट करे। अनिंद बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर और सिल्वर पर, दोनों में जबरदस्त तेजी चल रही है? या नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर एक अभी सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे बाय द रूमर एंड सेल द फैक्ट वाला सिचुएशन है, क्योंकि फेड का मीटिंग है नेक्स्ट वेडनेसडे, तो उसके पहले ये रैली कंटिन्यू है। तो एक तरफ सेंट्रल बैंक ईजिंग का एक माहौल है जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, दूसरे तरफ हाल ही में जो चाइना से जो एक न्यूज़ आया है कि हो सकता है वो प्रॉपर्टी सेक्टर में स्टिमुलस लाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ओवरऑल मेटल्स में एक तेजी है और जिसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर में भी दिख रहा है। तो ये कंटिन्यू रह सकता है वेडनेसडे तक, तो जनरली एक बाय द रूमर, और फिर इवेंट के बाद एक पुल बैक देखा जा सकता है। तो हो सकता है भाई वेडनेसडे 74,000 MCX में दिख जाए गोल्ड और फिर उसके बाद एक पुल बैक आए, बट ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें गोल्ड का और सिल्वर का तो इट्स काफ़ी बुलिश। स्पेशली गोल्ड में लास्ट 1 महीने का कंसोलिडेशन था और सिल्वर में अप्रैल से कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन रहा है, तो आने वाले महीनों में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि हम लोगों को और तेजी इसमें दिख सकती है। सर, 74,000 टारगेट क्या अगले हफ्ते के लिए है ये अनिंद बैनर्जी? यस ओके, अगले हफ्ते के लिए ओके। भूपेश जी, आप बताइए गोल्ड सिल्वर की चाल आपको कैसी दिख रही है? नमस्कार विश्वमोहन जी, अगर बात करें गोल्ड की तो गोल्ड में मेरा फेवरेट कमोडिटी है हमेशा से गोल्ड। बार बार कहता हूँ कि गोल्ड में ज्यादा बिकवाली या ज्यादा मंदी में कभी भी नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर अगर मैं इंटरनेशनल कॉमेक्स के भाव की चर्चा करूंगा तो $2540 के ऊपर जब तक गोल्ड का दाम चल रहा है तब तक इसमें तेजी का स्ट्रक्चर जारी रहेगा।
मुझे लगता है कि अभी के जो बाजार है वो उनका ट्रेंड भी पॉजिटिव है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है, इसलिए जिन बाजारों का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव होते हैं वो काफी पॉजिटिव मोड में चलते हैं। और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो $25 से $60 के ऊपर जब तक है इसमें तेजी का दौर जारी रहेगा, अपसाइड में 2616 और $2644 के भी लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम MCX की बात करेंगे तो 72,800 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करके खरीदारी करनी चाहिए, अपसाइड में 73,600 73,900 तक के लक्ष्य देखे जा सकते। चलिए, एक कमोडिटी है कच्चा तेल, जहां पर लगातार तीसरे दिन रिकवरी दिख रही है, करीब करीब 5% की रिकवरी आ चुकी है। अनिंद बैनर्जी जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल अब यहां से और तेजी बाकी है, इस रिकवरी में कहां तक भाव जा सकता है? देखिए, कच्चे तेल में एक्चुअली कोई फंडामेंटल शिफ्ट तो हुआ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ये जो सेंटिमेंटल एक शिफ्ट हुआ है, क्योंकि लास्ट 48 आवर्स में ओवरऑल सब कमोडिटीज में ही रैली है, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस। तो ये सिचुएशन में ऑयल मार्केट में क्या सिचुएशन था कि काफी हद तक शॉर्ट पोजीशन बन चुका था, क्योंकि ये 6100 वाला 5600 तक भी ट्रेड कर चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन था। और दूसरी तरफ इंप्रूव सेंटिमेंट के कारण एक शॉर्ट कवरिंग स्पॉट हम लोगों को दिख रहा है, तो हो सकता है ये 5960 या जो इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था 6000 उसको जाके एक बार टेस्ट करे, तो ये हम लोग के हिसाब से एक बेयर मार्केट का एक रैली है, इट्स अ बेयर मार्केट रैली, बट ये एक्सटेंड हो सकता है और 100 और 100 से 150 रुपीस का एक्सटेंशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल तेजी इन कमोडिटीज। कच्चे तेल पर आपके पास अनिंद बैनर्जी जी का व्यू आ चुका है। भूपेश जी, आप बताइए आपकी कॉल क्या है, क्रूड पर किस तरह की चाल दिख रही है आपको? जी सर, क्रूड के चार्ट का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। जब तक बाजार 5920 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें मार्केट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी भाव 5826 के आसपास है, अगर कहें तो 5850 या 5860 के आसपास बाजार मिलता है तो 5920 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करें, 5750 और 5650 के लक्ष्य एक बार पुनः देखने को मिलने चाहिए। चलिए, बेस मेटल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि चीन की खबर से, वहां पर ब्याज दरों में कटौती की खबर से यहां पर जबरदस्त तेजी दिखी थी। हालांकि जिंक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है, अब 264 पे आ चुका है, लेकिन कॉपर में अभी भी तेजी बरकरार है, 800 के ऊपर है, लेड 185 के ऊपर है और एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी है 226 के ऊपर। तरुण जी, मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है, कहाँ ज्यादा तेजी अभी भी दिख रही है, इस तेजी के साथ जाना चाहिए, कुछ पसंद है आपको? तरुण जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। या आई एम सॉरी, लाइक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉटमिंग आउट होने के कगार पर है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था 780 या उसके आसपास अगर कॉपर डोमेस्टिक मार्केट में मिलता है तो इट गोना बी अ गुड बाय, और आई थिंक इट हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ बेस, दो अभी हो सकता है फॉर द टाइम बींग 780 ऑन डाउन साइड से 815 अपसाइड के बीच में मार्केट मूव करे, बट जिस तरीके से US में रेट कट होगा, मार्केट में फर्दर मनी पंपिंग होगा, तो डेट विल ऑल्सो सपोर्ट बेस मेटल्स विच इज वन ऑफ द लीड रिस्की एसेट क्लासेस। साइमल्टेनियसली चाइना ऑलरेडी वर्स कर रहा है और रिवाइवल के लिए दे आर डूइंग एवरीथिंग विच विल हैव ऑल्सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बेस मेटल्स स्पेशली ऑन कॉपर। सो मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, फॉर द टाइम बींग कंसोलिडेट करेगा, द मोमेंट इट विल क्लियर 815 इसके अंदर रैली सेटअप हो जाएगी। ओके, आप बताइए भूपेश जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और टॉपिक क्या है? जी सर, अगर मैं बात करूं बेस मेटल्स की तो मुझे अभी भी कॉपर के चार्ट पे एक मंदी की साइड वाइस है मेरा, और मैं कहूंगा कि 803-804 के आसपास कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए, 807 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 795 और 791 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर जिंक की बात करें तो मुझे लगता है कि जिंक भी ऊपर के भाव में एक अच्छी सप्लाई फेस कर सकता है, ऊपर में 264-265 के आसपास, और बाजार एक बार पुनः 258 और 255 के भाव आसानी से दिखा सकता है। ओके, आप अनिंद बैनर्जी, आप कहाँ पे दाव लगाने की सलाह देंगे, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, तीनों में से क्या पसंद है आपको?
ये बेस मेटल्स में देखिए अभी फिलहाल सेंटिमेंट ड्रिवन ये रैली है, क्योंकि एक तरफ चाइना का इम्पैक्ट है और दूसरी तरफ अभी फेड ईजिंग जो नेक्स्ट वीक आने वाला है. इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फंडामेंटली जिंक, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई इश्यूज भी है और कॉपर की तरह ओवर सप्लाइड अभी है नहीं, तो जिंक सबसे अच्छा है. बट प्राइस उछाल इसमें ज्यादा आ चुका है, 267 के आसपास है, 271-72 तक जा सकता है. तो बाय ऑन डिप्स में बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा, 263-264 के आसपास. एल्यूमिनियम में अभी भी अपसाइड है, एल्यूमिनियम 230 तक जा सकता है. कॉपर में थोड़ा सा चॉपिनेस रहेगा, तो कॉपर से बेटर एल्यूमिनियम और जिंक पे अगर कोई फोकस करे ऑन द अपसाइड तो वो बेटर रहेगा. तो आपको यहाँ पे जिंक ज़्यादा पसंद आ रहा है कि जिंक अगर जो करंट लेवल है यहाँ से 1-2 रुपये और नीचे आए तो खरीदारी की सलाह है जिंक में. चलिए बात करते हैं नेचुरल गैस की. यहाँ पर भी अब भाव 2 महीने की ऊंचाई के करीब आ चुका है. MCX पर नेचुरल गैस 200 रुपये के बहुत करीब है, हालांकि आज हल्की नरमी दिख रही है. आनंद बैनर्जी जी, आपको क्या लग रहा है, नेचुरल गैस और तेजी बची है क्या, और ऊपर जा सकता है भाव क्या? नेचुरल गैस देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, क्योंकि फंडामेंटली इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है. हाँ, लास्ट 1-2 दिन में जो वेदर फोरकास्ट आया है फ्रॉम यूएस, उससे ये पता चलता है जो एयर कंडीशनिंग डिमांड है वो इंक्रीज हो सकता है. जो कल का जो स्टोरेज लेवल डेटा था, जो इंजेक्शन था वो कम था टू व्हाट द मार्केट वाज एंटिसिपेटिंग. बट इसमें कोई मेजर फंडामेंटल चेंज है नहीं. बट टेक्निकली प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, वो है 203. अगर 203 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर एक मेजर ब्रेकआउट आ सकता है, जो 225-30 तक भी इसको लेके जा सकता है, जो प्योरली शॉर्ट कवरिंग रहेगा. तो इसके लिए नेचुरल गैस को अभी वॉच करना चाहिए. एक तो ये हो सकता है कोई इसको बाय ऑन डिप्स कर सकता है 190 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 180 के नीचे, पोजिशनल है ये, और ऊपर में 203-204 के ऊपर इसमें और तेजी दिख सकती है. तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर. एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में सबसे पहले चावल की खबर एक ये आ रही है कि पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट में GMO राइस का सैंपल मिला है, और यूरोपियन यूनियन में जो ये एक्सपोर्ट हुआ था तो ऑर्गेनिक बासमती की अब क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं, और अब आगे ये फैसला भी हो सकता है कि पाकिस्तान से ऑर्गेनिक बासमती एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी लगा दे, यूरोप में उनको दिक्कत बढ़ सकती है. इस खबर को समझते हैं, आगे क्या इसका असर होगा और भारत को क्या इसका फायदा मिल सकता है. विजय सेतिया जी हमारे साथ, पूर्व प्रेसिडेंट है AIREA के. विजय जी बताइए, क्या भारत के लिए ये मौका होगा क्या अपना ऑर्गेनिक बासमती का एक्सपोर्ट बढ़ाने का? हाँ, आपकी बात बिल्कुल 100% मेरे को ठीक लग रही है, क्योंकि ना अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो 2008-09 में अमेरिकन राइस जो यूरोप में आ रहा था उसमें ये GM ग्रेन्स मिले थे, और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकन राइस को टोटली रिजेक्ट कर दिया था, और अमेरिका जैसे कंट्री को 1-1.5 साल समय लगा अपनी क्रॉप को दोबारा इम्प्रूव करने में. अच्छा, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इतना कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, ये जो GM कंटेमिनेशन है ये उनके दूसरे राइस में भी आ सकता है, क्योंकि फार्मर्स आर नॉट वेल ट्रेन्ड, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, और फार्मिंग भी उनकी अभी भी अच्छे से डेवलप नहीं है. आप देखो उनके शॉर्टेजेस हैं, वीट तो आटा तो 100 रुपये किलो भी नहीं मिलता वहां. तो अगर हम इस चीज को देखें कि यूरोपियन यूनियन अगर 2009 में ये फैसला ले सकती है USA के अगेंस्ट, तो उस हिसाब से पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऐसा फैसला आ सकता है, और पाकिस्तान का बाकी राइस भी क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा. तो ये मैं समझता हूँ कि ये मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इंडियन राइस इंडस्ट्री जो है डेफिनेटली इसको इसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा. इंडिया की अगर हम देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइस के अंदर कभी भी GM का ट्रायल नहीं होने दिया. ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने हमेशा इस बात को गवर्नमेंट में रखा कि अगर इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वो नुकसानदायक होगा. साइंटिस्ट अपनी लैब में भले कर ले, इसको कोई भी ओपन ट्रायल नहीं होना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि इंडिया में राइस GMO फ्री है, और इसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, सारे वर्ल्ड को एक मैसेज जाएगा कि इंडिया हैज ए बेटर प्रोडक्ट. जी सर.
शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और समझाया कि किस तरह से स्थिति, एक बार यूएस ने वहाँ एक्सपोर्ट किया था यूरोप में, वहाँ के जेएमओ राइस को भी पाबंदी लगा दी गई थी, यहाँ पर तो पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने क्वालिटी को सुधारने में लंबा वक्त मिलेगा, तो भारत के लिए एक अच्छा मौका होगा। और अच्छी बात है कि आपने ये भी साफ किया कि यहाँ पर किसी भी तरह के जीएमओ राइस का कोई, यहाँ पर उस तरह की खेती नहीं होती और इस तरह के सिस्टम में अभी भारत में आए ही नहीं है। लेकिन चीन की तरफ से ऐसी खबर दी जा रही है कि चीन ने पाकिस्तान के राइस सेक्टर के रिवाइवल के नाम पर वहाँ पर जीएमओ राइस के सीड्स वगैरह वहाँ पर भेजे थे और उसी की वजह से यहाँ पर इस तरह की मिक्सिंग की खबर आ रही है। और ख़ास करके सर्टिफिकेशन पर भी सवाल उठते हैं कि आप अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेकर उसमें जीएमओ राइस मिक्स करके अगर आप भेजते हैं तो डेफिनेटली आप पर पाबंदी आने वाले समय में लग सकती है, और जहाँ जिसका राइस अच्छा होगा उनके लिए मौका होगा, तो यहाँ पर भारत के लिए मौका बनता दिख रहा है। चलिए अब राइस के बाद अब बाकी एग्री कमोडिटी की ओर बढ़ते हैं, पहले बात ग्वार की करते हैं। तरुण जी बताइए, ग्वार में क्या हो रहा है, क्या आगे कुछ तेजी की उम्मीद लग रही है फसल को लेकर, आपके पास कुछ रिपोर्ट है क्या? सी अभी रिसेंटली राजस्थान के काफ़ी एरियाज के अंदर येलो अलर्ट है, जिसकी वजह से रेन प्रीमियम हमने प्राइसेस के अंदर ऐड होते हुए देखा है। और जिस तरीके से मॉनसून अभी पैन आउट हुआ है इंडिया एज अ होल, और टेम्परेचर है जिस तरीके से, मुझे लगता है कि 15 डेज का क्रॉप डिले हो सकता है, डेट इज ऑल्सो एडिंग प्रीमियम टू द प्राइजेस। 5000 बेस केस है ग्वार सीड के केस में, और 550-500 फॉर द टाइमिंग टॉपिश केस रहेगा। और वी एज वी ऑल नो अक्टूबर एंड या नवंबर में क्रॉप आना चालू हो जाएगा, तो वी विल हैव सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इन दिस रेंज ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5000 से 5500 के बीच में प्राइस भाव करने चाहिए। तो ये आपको अभी भी रेंज में ही दिख रहा है, आप बताइए ग्वार पर आपकी राय क्या है भूपेश जी? जी सर, ग्वार सीड की बात करें तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा 100 रुपीज का मूव देखने को मिला है। मुझे लगता है कि बाजारों में ये मूव कंटिन्यू करना चाहिए, जब तक बाजार अब 5350 के नीचे नहीं जाते तब तक इसमें तेजी का दौर जारी रह सकता है। अपसाइड में 5550 और 5700 तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं, और उसके ऊपर जाना थोड़ा एक बार मुश्किल होता है। आलू की बात कर लेते हैं, आज हल्दी और जीरा यहाँ पर दबाव दिख रहा है। जीरा का अक्टूबर वायदा 25500 के नीचे है, करीब 1% की गिरावट है, और हल्दी में कल की गिरावट आज भी यहाँ पर कंटिन्यू, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी खरीदारी अब दिख रही है 13600 पे, लेकिन अभी भी भाव है। क्या लग रहा है आपको हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर आपकी राय क्या है भूपेश जी, क्या पसंद है आपको? जी सर, हल्दी, जीरा और धनिया में मुझे जीरा बेचना पसंद है, 26000 में या 25800 के आसपास एक अच्छी सप्लाई देखी जा सकती है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो मार्केट कंटिन्यू एक लैकलस्टर बना हुआ है, बाजार पूरा साल निकल गया और लगातार सप्लाई देखने को मिली है बाजारों में। मुझे लगता है कि अभी भी सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए, 7000 एक बड़ा सप्लाई जोन बन चुका है बाजार के लिए, और नीचे में 6850 6700 तक के घर आसानी से देखे जा सकते हैं। वही हल्दी की बात करें, जैसे कि पिछले शो में हमने चर्चा करी थी कि हल्दी में रोलर कोस्टर मूव अभी भी जारी है, और 14500 से लेके 13000 या 12500 के बीच बाजार अभी भी मूव करते रहना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि 14500 का, जैसे पिछली बार भी बोला था कि भाई बेचें आप, इसमें लगने में 400-500 पॉइंट रहेंगे, मिलने में 1000 से 1500 इवन 2000 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो 14500 पर सप्लाई जोन रहेगा और 12500 पर डिमांड जोन रहेगा। तरुण जी वक्त कम है, छोटा जवाब, एक मसालों पर आपकी राय क्या है? आई थिंक तीनों कमोडिटीज़ का मुझे जो ट्रेंड लगता है साइडवेज टू साइडवेज डाउन लगता है। 15000 के नीचे जब तक टर्मरिक है 12000 के प्राइस आ सकते हैं। जीरा वेल सप्लाइड मार्केट और प्लांटिंग इंटेंशन नवंबर में, अक्टूबर एंड और नवंबर बिगनिंग में क्लैरिटी देगा, तब पता चले एग्जैक्टली फर्दर कैसा मूव आएगा इसके अंदर। और अगर मैं कोरिएंडर की बात करता हूँ तो ये भी मेरे को साइडवेज डाउन लगता है। तो साइडवेज आपको यहाँ पर दिख रहा है मार्केट। चलिए शुक्रिया तरुण जी आपका, भूपेश जी, अनिल बैनर्जी जी आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री मार्केट।